सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ विकास टेकरी। दोस्तों, जब भी हम UPSC की बात करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि UPSC एक बहुत टॉप लेवल की परीक्षा है और यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और सबसे बड़ा पद भी होता है। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि UPSC की जो आंसर शीट होती है वो कैसी होती है। आप अभी देख रहे होंगे कि ऐसी होती है आंसर शीट। अब आप सोच रहे होंगे, यार इसमें ड्राइंग बनानी है कि क्या करनी है, कहीं ये केमिस्ट्री या भूगोल का तो नहीं है जिसमें कुछ मानचित्र या कुछ बनाना होगा। जी नहीं, मैं आपको बता दूं, जो UPSC की आंसर शीट होती है वो पूरी कोरी होती है, उनमें लाइन नहीं होती है। इसकी दो प्रमुख वजहों में पहली वजह यह है कि जब भी कोई IAS कैंडिडेट जब एग्ज़ाम पास कर लेता है, इंटरव्यू पास कर लेता है, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टरों को कोरे पेज में ही नोटिस बनाना पड़ता है। कई बार उन्हें काम करते करते कोरे पेज में ही लिखना पड़ता है, इसलिए उन्हें पहले ही यह आदत डलवा ली जाती है कि वो कोरे पेज में भी बेहद आसानी से लिख ले। और नंबर दो पर आता है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर है, उनका जो यानी कि लिखने का तरीका है, शैली है, वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कोरे पेज में। क्योंकि व्यक्ति अगर सीधा सीधा लिख रहा है तो उसकी सोच भी काफ़ी बेहतर होगी और उसकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू तो करते हैं ऊपर से, लेकिन कोरे पेज रहने की वजह से हम नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, यही बात नोटिस की जाती है UPSC में। आपकी छोटी छोटी क्वालिटीज़ को देखा जाता है UPSC में। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि UPSC का जो आंसर शीट होती है वह कोरी क्यों होती है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मिसाइल मैन ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार। जय हिंद।